प्राथमिकता हमारी तय है, जैसा कि आप देख रहे हैं, केसेस को समयबद्ध निस्तारण करना, सूचना तंत्र को मजबूत करना और जो पेंडेंसी है केसेस की उसको कम करना, और आम जन में जो ACB है उसकी विश्वसनीयता और उसकी कार्यप्रणाली में और ज़्यादा उनके प्रभाव पड़े आम जन के, और साथ साथ जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं उनके दिमाग में भी ACB का एक भय रहे कि भाई इसमें पढ़ने से पहले सोचे हों। क्योंकि ACB की बड़ी जिम्मेदारी है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की। राजस्थान की बात की जाए तो पिछले दिनों ऐसे कई बड़े केसेस थे जिसको ACB ने सोल्व करा, छापेमार कार्रवाई करके भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी। कई बड़े अधिकारियों के नाम भी शामिल आते हैं। अभी हाल ही में हनुमान मल डाका जी की वहाँ कार्रवाई हुई। क्या लगता है आपको कि ऐसी परिस्थितियों में जब बड़े अधिकारियों में ही इस प्रकार की चीजें शामिल हो, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कार्रवाई में कितनी दिक्कत आती है? खासतौर पर कार्रवाई होने के बाद जब केस को आगे अभियोजन के लिए भेजना पड़ता है उसमें कितनी दिक्कत आती है? उसके सॉल्व के लिए क्या करना है? मैंने देखिए आज ज्वाइन किया है और ये जो सारे विषय हैं जो आप बता रहे हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, संसाधन की कमी है, इन सभी विषयों पे चर्चा हमारे टीम के साथ, और टीम पूरी अनुभवी टीम है जो इस विभाग में कुछ दिनों से है, कुछ महीनों से है, जो भी, तो उनको पता है क्या क्या चीज़ें हैं, उनसे विचार विमर्श करके और इन सब विषयों पे हम लोग कोई ना कोई योजना बनाएंगे ताकि काम में सुधार आए। मौजूदा भजनलाल सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात कही है। लगातार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चाहे जहां पर भी हो उसको खत्म करेंगे, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो उसको सलाखों के पीछे लेकर जाएंगे। अब ये जिम्मेदारी चूंकि आपको दायित्व दिया गया है तो आपको लगता है अब सरकार के सहयोग से ये जो चीज है उसको बखूबी आप निभा पाएंगे और ज्यादा, क्योंकि जो जिस प्रकार से हेडर्स पहले आते थे वो अब नहीं हो पाएंगे? देखिए, सरकार की अगर प्राथमिकता आप सब जानते हैं, हम सब को पता है, और निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की जो प्राथमिकता है उस पर बिल्कुल हम लोग मदद करेंगे सरकार की, उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए, और सरकार से भी जो भी निर्देश होंगे उनकी पालना निश्चित रूप से की जाएगी, और ACB की जो भी संसाधन की कमियां हैं या और कोई चीज़ें हैं जो सरकार से हमें चाहिए वो उस बारे में भी हम लोग निवेदन करेंगे। प्राथमिकता हमारी तय है, जैसा कि आप देख रहे हैं, केसेस को समयबद्ध निस्तारण करना, सूचना तंत्र को मजबूत करना और जो पेंडेंसी है केसेस की उसको कम करना, और आम जन में जो ACB है उसकी विश्वसनीयता और उसकी कार्यप्रणाली में और ज़्यादा उनके प्रभाव पड़े आम जन के, और साथ साथ जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं उनके दिमाग में भी ACB का एक भय रहे कि भाई इसमें पढ़ने से पहले सोचे हों।